नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। साथियों, आपने अक्सर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा या सुना होगा ये पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के बारे में। नहीं सुना तो आप ऋतिक रोशन की एक मूवी है सुपर 30, उस मूवी का आप ट्रेलर देखेंगे तो वहां पर भी आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बारे में सुनने को मिल जाएगा। तो दुनिया तो एक ही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में दुनिया को तीन भागों में बांटा गया है और जिसे प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया कहा जाता है। तो आखिर इन तीनों में क्या फर्क है और किस आधार पर इनको बांटा गया है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में हम एक बहुत बड़े टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसीलिए अंत तक बने रहें। तो साथियों, बात की जाए पहली दुनिया की, पहली दुनिया या जिसे हम प्रथम विश्व कहते हैं, तो इसमें जो है अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हैं, जो पूर्ण रूप से विकसित हैं, जिनका औद्योगिक ढांचा मजबूत है और जो पूर्ण रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसके बारे में हमने पूंजीवाद और साम्यवाद पर भी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो उदारवादी विचारधारा के समर्थक है या उदारवादी विचारधारा को ही वो मानते हैं, प्रमोट करते हैं, और इनकी जो तकनीक है वो उत्तम और आधुनिक है, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये सबसे आगे हैं और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये यूज करते हैं। बात की जाए दूसरी दुनिया की, तो साथियों दूसरी दुनिया में वो देश आते हैं जिसमें 20वीं शताब्दी में साम्यवाद की स्थापना हुई, जिसका कारण है 1917 की साम्यवादी क्रांति जो लेनिन के नेतृत्व में हुई, और दूसरा कारण है शीत युद्ध। इन दोनों के बारे में ही वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के देश तथा चीन शामिल हैं। यह देश सामाजिक और आर्थिक रूप से साम्यवादी हैं। तकनीक तथा औद्योगिक ढांचा इनका भी मजबूत है, लेकिन प्रथम विश्व की तुलना में कम है। समझ रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी के मामले में ये लोग भी आगे हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज से ये थोड़ा सा पीछे हैं। नेक्स्ट बात की जाए तीसरी दुनिया की, तो तीसरी दुनिया में वो देश आते हैं जिन्हें 1950 के आसपास स्वतंत्रता मिलनी आरंभ हुई, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिन देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिलती है, या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद होते हैं, उन्हें हम तीसरी दुनिया में रखते हैं। और इसमें एशिया और अफ्रीका के देश शामिल हैं। ज्यादातर देश किसी ना किसी महाशक्ति के गुलाम रह चुके हैं। सामाजिक, आर्थिक या मूलभूत समस्याएं एक जैसी है, जैसे गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आदि। इन देशों का अपना खुद का औद्योगिक ढांचा तैयार नहीं है तथा तकनीक भी अविकसित तथा पुरानी है। और तीसरी दुनिया में शामिल अधिकतर देश या तो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं या अधिकतर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता होती है। चलिए यहां हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का क्या मतलब होता है, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसे आपको समझना चाहिए। तो राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कि यहां कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, यानी कि कब यहां लोकतांत्रिक सरकार हो,
कब यहाँ सैन्य तानाशाही हो जाए, सैन्य तख्ता पलट हो जाए, कब यहाँ कोई क्रांति हो जाए, आंदोलन हो जाए, कब कौन सी सरकार सत्ता में आ जाए और कब वो सत्ता से बाहर हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। यानी सरल शब्दों में, कब यहाँ कोई हीरो बन जाए, हीरो से सुपर हीरो हो जाए और सुपर हीरो से वापस जीरो बन जाए, ये यहाँ तय नहीं है। तो इसी को हम राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।